नमस्कार दोस्तों, दिवाली की सभी को बधाई। और इसी उपलक्ष्य में आपको कुछ देना चाहता हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। जी, मैं सारी मंत्र ऐसे देता हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो वशीकरण मंत्र है, अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आपका जो जीवन साथी है वो आपको मिल जाएगा। तो जो आपकी पहले वाली ज़िंदगी थी उससे आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। और आज जो मैं बता रहा हूँ वो है, लाइफ तो चेंज होगी, उसके बाद आपको चाहिए होगा पैसा। तो भाई पैसा कहाँ से आए? पैसा आएगा जब आप मातेश्वरी को प्रसन्न करेंगे। जी, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए न जाने लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिंपल सी विधि उनको आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने पर मजबूर कर देगी। जी, लेकिन ये इतने भी सिंपल नहीं जितने मैं बता रहा हूँ इसको। मतलब जो कर करना चाहे वो कर सकता है, इतनी मुश्किल नहीं है कि सात समंदर पार जाना हो। दिवाली से पहले अभी जो समय चल रहा है इसमें आप उल्लू के नाखून कहीं से भी मिले, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी उल्लू की बलि दे रहे हो इसमें। इसमें तो जो आप चीज़ वो बनाओगे, जो भी यंत्र आप बनाओगे, वो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। आपको ना ही उसे किसी से ख़रीदना है, ना ही उसको मारना है। अगर कभी भगवती की कृपा हो और आपको कोई मरा हुआ उल्लू मिल जाए, जैसे मुझे मिला था, तो आप उसमें इतने तंत्र प्रयोग कर सकते हो कि पूरी दुनिया के जितने भी बैंक हैं वो भी कम पड़ जाएं, इतना पैसा आपके पास हो जाएगा। अगर आप ठोकर मारोगे तो एक सोने की ईंट निकल के आपके सामने आ जाएगी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मातेश्वरी की एक बार कृपा हो जाए तो आप सोने का महल भी बना सकते हो। तो मातेश्वरी की ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और प्रॉस्पेरिटी अपने जीवन में लाने के लिए आप ये जो है टोटका कर सकते हो। दिवाली की रात में नमः कमल वासनी स्वाहा का एक उल्लू के नाखून पर आपको 108 बार जाप करना है। नमः कमल वासनी स्वाहा, जी ये मंत्र आपको 108 बार उल्लू के नाखून पर जाप करना है, उसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के 1625 पर, और सिद्ध करने के बाद इसको किसी चांदी या फिर सोने के बर्तन में रखना है, छोटा सा जितना भी हो, अब जितना भी आपका सामर्थ्य हो उसमें आप रखकर उसमें सिंदूर रखना है, 7 इलायची रखनी है, 7 लौंग रखने हैं, और उसको बंद करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। मैं आपको बताऊं, आपका व्यापार हो या फिर आपकी नौकरी हो या फिर कुछ भी हो, जहां पर भी आप जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो, जहां पर भी जाओगे मतलब पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जहां मातेश्वरी होती हैं वहां दुख तो मतलब ठहरते ही नहीं हैं, सुख ही सुख आपको मिलेंगे और दुनिया की जितनी भी शुभता है वो आपके घर में आ जाएगी और आप उन्नति की ओर बढ़ते ही जाएंगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो ऐसी महेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, ये जो नाखून है इस तंत्र को आप अपनाइए उल्लू के नाखून का, और जितनी भी शुभताएं हैं, जितना भी कुछ अच्छा है इस